नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। स्वर्गाश्रम स्थित 84 कुटिया में 27 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल के आयोजन को लेकर डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फेस्टिवल से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अतिशीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। डीएम ने बताया कि 3 दिवसीय द बीटल एंड द गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अगले दिन राज्यपाल और समापन पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल होंगे। कुमखाल चौकी में पुलिस ने घर से लापता 72 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को परिजनों की किया सुपुर्द। परिजन हुए भावुक। आपको बता दें कि कुछ दिनों से सतपुली क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति घूम रहा था। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति के सोशल मीडिया में पोस्ट चलाने के बाद लगातार पुलिस व स्थानीय लोग एक्टिव रहे। एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा 72 वर्षीय बुजुर्ग का मिलान फेसबुक की पोस्ट से किया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति को गुमखाल चौकी में भेजा गया। SSI मुकेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग के पुलिस चौकी में आने के बाद बुजुर्ग के परिजनों का पता किया गया। वहीं परिजनों को फोन कर बुलाया गया, जिस पर परिजनों ने पहुंचकर बुजुर्ग से मिलने पर अत्यधिक भावुकता दिखाई। इस दौरान बुजुर्ग का बेटा, बहू और पोते तीनों भावुक दिखे। बुजुर्ग व्यक्ति लालजी पुत्र अमरनाथ निवासी शिवनगर कोतवाली बिलरियागंज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसके मिलते ही परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पिताजी हैं, जाकर ले आइए। हम लोग आए थे यहाँ पे पौड़ीगढ़ में, पिताजी के लेकर जा रहे हैं। अब पौड़ी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ससुर जी को अच्छे से और बहुत स्वस्थ से यहाँ पर रखे हैं, कि हमारे पास अच्छे स्वस्थ से हमको सौंपे हैं। उन लोग को हम जितना धन्यवाद करते हैं उतना भी कमी है। नयार घाटी सतपुली में रामलीला का शुभारंभ तिलपात्र व सतपुली में भगवान बजरंग बली के झंडे की शोभा यात्रा निकालकर किया गया। इस दौरान रामलीला समिति के सदस्यों व पात्र पदाधिकारियों द्वारा सतपुली नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके उपरांत तिलपात्र व विधिवत पूजन के बाद रामलीला का शुभारंभ किया गया। वहीं गुरुवार से रामलीला का विधिवत रूप से मंचन किया जाएगा। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पैठाणी में बुधवार को चेकिंग के दौरान हरेंद्र सिंह रावत को 17 पेटी अवैध शराब के साथ चाकीसैन बाजार से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की गई। पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष वीरेंद्र रंबोला सहित अपर उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह गुसाई, अरविंद कुमार, मुख्य आरक्षी कमल, सुरजीत, शैलेंद्र व होमगार्ड संदीप, नरेंद्र, हर्षपाल मौजूद रहे। हरिद्वार में हो रहे अवैध खनन व स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार समेत अन्य मांगों को लेकर सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने थाली डमरू बजाकर SDM को जगाने का प्रयास किया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ज्ञानचंद ने कहा कि सरकार के इशारों पर अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर दुकानें चलाई जा रही हैं। प्रदर्शन करने वालों में अजय मौर्य, देवेंद्र बिष्ट, आतिश मिश्रा, इंतजार नसीफ, आशीष दीक्षित, प्रवीण अग्रवाल, अजय सिंह, आशीष सैनी, अर्जुन विजेंद्र, राघव, रईस अहमद, कमल हसीन, विनोद सचिन, राजू मिश्रा, रिजवान, वंदना शर्मा आदि शामिल रहे। हरिद्वार हर की पैड़ी घाट हुई जलविहीन। गंगा नहर की आगामी 20 दिनों के लिए बंद करने के बाद विजयदशमी की रात से बंद हुई गंग नहर अब दीपावली रात चालू की जाएगी। गंग नहर बंद होने से बुधवार को हर की पैड़ी जलविहीन रही। हालांकि UP सिंचाई विभाग ने थोड़ा बहुत पानी छोड़ा, लेकिन यह डुबकी लगाने लायक नहीं था। डाम कोठी से आगे ज्वालापुर तक गंग नहर पर बने अनेक घाट भी जलविहीन रहे। गंगा के जलविहीन होने से घाट सूने पड़े रहे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।
सबसे पहले खबर को पाने के लिए